श्लोक 199 तथा चा अस्य सुषुप्ते चा अभेदा शंका नवती उभयत्र वृत्ति अभाने समाने अपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेन, अन्योह भेदा उपपत्ते उपपत् समाधि का वर्णन करते हैं कि निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति गहरी निद्रा दोनों में समानता है क्या समानता है और क्या भेद है वो इस श्लोक से स्पष्ट होते चा चा अभेदा शंका न भवती। वो कहते हैं इस विषय में कुछ शंकाओं को आप न रखो जैसे कोई कहे कि हमने तो कभी समाधि का अनुभव किया नहीं वो कहते नहीं नहीं किया है आपने कैसे वो कहते हैं कि जब गहरी नींद होती है तो उसमें आपके कोई विचार नहीं होते और समाधि जब होती है तो उसमें भी कोई विचार नहीं होते तो दोनों एक सी हो गई तो आपने समाधि का अनुभव न भी किया हो तो गहरी नींद का अनुभव तो किया है तो मन विचार शून्य दोनों अवस्थाओं में होता है तो ये तो हुई समानता दोनों में विचार नहीं है अब इनमें भेद और असमानता क्या है तो असमानता ये है कि समाधि में सत्य का बोध है और जो सुषुप्ति है उसमें बेहोशी का बोध है बोध दोनों में ही है समानता है उसमें मुझे कुछ पता न चला तो बेहोशी है और समाधि में सत्य का पता चला तो पता चलना भी दोनों में एक ही है पर एक में अज्ञान विषय हो रहा है और एक में सत्य विषय हो रहा है तो समथिंग इज कॉमन बट समथिंग इज डिफरेंट तो एक तरह से वो बड़ी एक ढारस बंधा रहे हैं कि चलो आपने अगर आप दुखी नहीं हो कि अरे हमें तो कभी समाधि लगी नहीं वो कह रहे चलो सुषुप्ति तो हुई ना सुषुप्ति जैसी होगी वो पर सुषुप्ति में अज्ञान मुखरित हो जाता है और समाधि में अब मन किस में लीन हो रहा है अज्ञान अवस्था में लीन हुआ तो सुषुप्ति है और चैतन्य में लीन हुआ मन तो वही फिर समाधि है तो इस निर्विकल्प समाधि का जो भेद है वो सुषुप्ति से इसी प्रकार है अब एक बात थोड़ा ये समझने की भी है कि सुसुप्ति आपको हमेशा होती है पर सुसुप्ती हो जाने के बाद भी किसी को आत्मज्ञान तो नहीं हो जाता सोते रहने से तो कुछ भी नहीं होगा मन की अनात्मा वृत्तियां सब न रहें और मन ऐसे डिजॉल्व हो जाए कैसे तो अब आगे वो एक उदाहरण देते हैं ये उदाहरण जो है ये इसके पहले वाले श्लोक में दिया है पर मैंने 99 पहले लिया है अठानवे हम बाद लेंगे अब वो कहते हैं तदा तू जलाकार आकृतिता आकरिता लवण अनवभासेन जल मात्रा अवभाषव अद्वितीय वस्तु आकारा आकारिता चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय अवभास्यते जैसे पानी में नमक मिला दो तो नमक और पानी एक हो जाते भिन्नता उसकी दिखाई नहीं देगी फिजिकली नमक आपको पानी में कभी दिखेगा नहीं एक दफे पानी में मिल गया तो नमक और पानी एक हो जाते हैं। ऐसे ही मन में उत्पन्न जो हमने करी ब्रह्मकार वृत्ति यह ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती और ब्रह्म क्या है अद्वितीय वस्तु अद्वितीय जिसमें द्वैत नहीं है तो द्वैत नहीं है तो इसका मतलब किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि मन भी रहे और ब्रह्म भी रहे तो मन अगर बहिर्मुखी है तो संसार में है पर जहाँ मन अंतर एकाग्र होता होता ध्यान में गोता लगाते लगाते निर्विकार निर्विचार होते होते जहाँ वो टिका तो वहाँ ब्रह्म ही बचेगा फिर मन नहीं बचने वाला इसी को मन की मौत कहते बार बार कबीर बोलते हैं बार बार वाणी कहती मन मारे बगैर आत्मा ब्रह्म का बोध नहीं होने वाला एक ही माने जब चैतन्य है तो इस चैतन्य की परछाई जैसा जड़ मन वहां नहीं रह सकता है तो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का बोध हुआ और फिर यह वृत्ति ब्रह्म में ही कहो तो लीन हो गई जैसे नमक पानी में लीन हो गए वाह में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम जैसे ज्योत को ज्योत से मिला दो तो मिली हुई ज्योत में आप ज्योत नंबर ए एंड ज्योति नंबर बी नहीं देख सकेंगे एक ही ज्योति दिखाई देगी ज्यों जल में जल आए खटाना जिसे पानी नदी का पानी सागर में मिल जाए तो मिल जाने के बाद आप दोनों के भेद को आंखों से कभी नहीं देख पाओगे कि ये रहा नदी का पानी और ये रहा समंदर का पानी तो ये गुरु ग्रंथ साहब में वेदांत को पुष्टि करने वाली ये पंक्ति कितनी खूबसूरत जो निर्विकल्प समाधि को समझाती है जैसे जल में जल मिला तो जल एक हो गया जैसे ज्योति से ज्योति मिली एक हो गई और फिर उनका कोई भेद हमको दिखाई दे नहीं सकता है ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती है अलग नहीं रह जाती है इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जाना मन से जाना जानते 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 मन मर गया तो जो मन ही मर गया कैसे कहोगे मन ने जाना देखो बड़ी अजब पेच है ये इसमें मन से समझ रहा है मन से जान रहा है पर फिर भी हम कह रहे हैं मन समेत जह जाए नी मन तक उसकी पहुंच नहीं है अरे जो पहुंच नहीं है तो फिर समझेंगे कैसे तो बोले समझो मन से पर मन से जानोगे भी नहीं पर जानोगे भी जे ही जाने जिस देव जनाई जानत तुम्हें ही हो जाई वो ही तुमको जानेगा जिस पे कृपा करके तू अपना आप जनवाए और जो तुझे जानने जाए वो तू ही हो जाए तो मन अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करती है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है तो वृत्ति ये नहीं कह सकती मैंने जाना वृत्ति ये कह भी नहीं सकती तो मन ये नहीं कह सकता मैंने परमात्मा को जाना पर फिर भी मन से ही जाना ये एक बड़ा रहस्य है जलाकार आकारिता लवण जब जल में लवण माने नमक मिल गया तो अनु तो नमक अलग दिखाई नहीं देगा जल मात्रा अवभासवाद सिर्फ जल का आभास प्रतीति होगी ऐसे ब्रह्मकार वृत्ति ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म वृत्ति बनाते 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 वृत्ति भी जब उसी में लीन हो जाती है इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं और निर्विकल्प समाधि से ही मैं ये जो मन बुद्धि वाला मैं है ये मैं तो वहां था नहीं अस्तित्व ही बचता है वहां आप मैं नहीं कह सकते हो क्योंकि मैं कहने वाला मन नहीं है और तू परमात्मा है मैं मैंने तू को मिल लिया ये कहने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि वहां मन नहीं है इसलिए आत्मवित्त को स्थित प्रज्ञा को महात्मा को जब भी पूछा जाता है क्या आपने परमात्मा को जान लिया वो चुप रह जाएगा वो हंस पड़ेगा वो मुस्कुरा सकता है पर वो ये नहीं कहेगा कि हाँ जी जान लिए। क्योंकि जानना तो मतलब ये हो गया जो मन का ग्राह ही ये हो गया दैट विच कैन बी परसीव्ड विद द माइंड इज संसारा दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड विद माइंड इज ब्रह्म हाउ कैन एनी से आई हैव नोन ब्रह्म जो जाने में जाता सो जाता नहीं जिन जाता सो बोले नहीं जो जान लेता है वो कह नहीं सकता है जो कहता है उसने अभी जाना नहीं जानना धर्म बुद्धि का जानना न धर्म मन का तो मन बुद्धि समझ तो सकते समझते 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 फिर लीन हो सकते हैं, पर बुद्धि अभिमान नहीं कर सकती कि मैंने ब्रह्म को जान लिया क्योंकि जिसको बुद्धि जान ले वो बुद्धि की हद में आ गया और जो बुद्धि की हद में आ गया वो ब्रह्म कैसा रहा सो so, निर्विकल्प समाधि और सुषुप्ति का जो मिलान है वो अगले श्लोक में बताया कि एक में भावा एक में सत्य का बोध है असद भावा दूसरे में बस ये है कि संसार रूपी इस असत का आभान हो जाता बाकी एक तरह से दोनों एक से हैं दोनों में कोई विचार नहीं विचार शून्य होता है कौन मन अब हम प्रवेश करते हैं अगले श्लोक में ये सोलह श्लोक हैं दो सौ से लेकर दो सौ पंद्रह ये श्लोकों में अब साधन बता रहे हैं कि क्या साधन करने चाहिए जिससे इस अवस्था को तुम प्राप्त हो सको देखो ज्ञान तो हमने सुना दिया हमारी दुकान में माल क्या है वो सब हमने दिखा दिया पर इस माल तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए अब वो सुनो तो बीच में नहीं छोड़ रहे और ये भी कह रहे हैं कि इतने में ग्रंथ खत्म हो सकता था गई निर्विकल्प समाधि अब क्या बताएंगे इससे आगे कह रहे अब हम वो बताएंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है आप जहां खड़े हो और जहां से आपको यात्रा शुरू करनी है और अगर कर ली है यात्रा शुरू हो गई है तो जस्ट कीप ऑन टिकिंग दिस इज डन दिस इज डन दिस इज डन दिस इज डन ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया अश अंगानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्ट साधन ये आठ पायदानों वाली सीढ़ी पे तो चढ़ो नियम आसन प्राणायाम के विषय में बात करते हैं तो कई बार कई लोग अरे ये तो योग की बात है प्यारे योग और वेदांत अलग अलग नहीं एक स्तर तक दोनों एक दूसरे के बड़े कॉम्प्लीमेंट्री प्रेपरेशन योग से ही होगी मेरा अनुभव है दिस इज माय ऑब्जर्वेशन 53 इयर्स ओल्ड की जिंदगी में हजारों वेदांतियों को देखा है जिन वेदांतियों की पृष्ठभूमि में योग था वो तो निर्विकल्प समाधि का अनुभव जो किए बिल्कुल किए और जिनके जिनके आधार में योग नहीं था वो खाली तोते बन के रह गए तत्वमसी, तत्वमसी, तत्वमसी बोल तो रहे हैं अनुभव एक भी नहीं ये अपनी ऑब्जर्वेशन में दे रही हूं अच्छा इसमें यह है कि कभी कभी ये देखने को आता है किसी ने इस जीवन में कोई योग तो नहीं किया लेकिन फिर भी उनको अनुभूति हुई निर्विकल्प समाधि की तो वो कैसे भाई वो पहले करते हुए आ रहे थे पूर्व जन्म से पूर्व की कमाई आगे साथ चलती है जैसे आज की कमाई आपकी कल आपके साथ रहेगी शरीर तो रहेंगे कब तलक भाई जब तलक संस्कार हैं और जब तलक संचित कर्म हैं तब तक उनके भोग रहेंगे और वैसे जिसने ये समझ लिया कि संसार मिथ्या है उसके लिए आज संसार होते हुए पर भी नहीं है तो जन्म होने पर भी उसका जन्म नहीं है तो मरने बाद किस मोक्ष की वो इच्छा करे वो अभी भी मुक्त है तो शरीर है तो भी मुक्त है शरीर ना रहेगा तो भी मुक्त है अच्छा फिर एक और शरीर मिल जाए तो वो बंधन में आ जाएगा क्या कितना डरता है मैं इनमें दोबारा ना जन्म लू मैं दोबारा अरे गधे तेरा अभी भी जन्म नहीं हुआ तो अभी भी नित्य मुक्त है तो अभी भी देह नहीं है पर जिसको जिसको मरने का डर लगे और जिसको दोबारा जन्म ना हो जाए ये भय लगे ये बात पक्की है अभी उसको स्वरूप की समझ नहीं आई अगर स्वरूप की समझ आ जाती तो बड़ी खुशी से है ना शरीर से प्राण जाए तो जाए आए तो आए नया शरीर आए तो आए अच्छा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग हो सकते हैं इसकी अनुभूति के लिए योग में कुछ एक ऐसी साधनाएं होती हैं जो शंकराचार्य ने करी थी अपना शरीर एक गुफा में छोड़ दिया था और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे राजा के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया था महीने उसके शरीर में रहे थे छह महीने बाद वो शरीर छोड़ दिया वापस फिर से अपने उसी शरीर में उन्होंने प्रवेश किया अब ये योग से संभव है खाली अहम ब्रह्माष्मी अहम ब्रह्माष्टमी तोता रटंत करने वालों को तो नहीं मालूम कैसे अब शंकराचार्य ने इस जीवन में तो कोई योग की साधना की नहीं फिर उनको कैसे मालूम था अरे भाई पूर्व के हैं ये साधनाएं है वो पूर्व के अपने संग लाए हुए थे जब सरस्वती ने प्रश्न किए थे शास्त्रार्थ में रस के विषय में तब उन्होंने कहा भाई जिसका मैं मैं इनके तो उत्तर तो मैं बाद में दे सकता हूँ तो छह महीने के लिए पोस्टपोन करो मैं छह महीने बाद लौटूंगा भाई ये क्या नो प्रॉब्लम आप जाइए तो क्या करेंगे जाके तो पर जो काम उन्होंने किया वो और कौन करेगा कौन करेगा उस काम को अब ये सब योग के द्वारा ही संभव है तो यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम्म hmm. देखिए ये आपने मेरे से सुना तो बहुत बार है लेकिन इस बार ऐसे सुनना कि इसको मन में टिकमा करना ये तुम्हारे मन में जीवन में आचरण में आए है या नहीं आए पांच नियम होते पांच नियम होते तुम्हें रटे पड़े हैं पर अब इस तरह से सुनो क्या अहिंसा है क्या सत्य पालन करते हो क्या अचौर्य चोरी न करना करते हो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हो क्या सामान इकट्ठा कर करके संभाल के और सामान के पैसे को संभाले चीजों को संभाले वस्तुओं को संभाले रिश्तों को संभाले यादों को संभाले आसक्तियों को संभाले पूर्व की हुई स्मृतियों को और पूर्व के हुए संबंधों को मन में संभाल के रखा हुआ बड़ा दुख देते हैं ये पूर्व के संबंध बहुत अच्छे रहे हों तो भी रोएगा बहुत बुरे रहे हो तो भी रोएगा तो जब हम आप परिग्रह कहते हैं तो आप परिग्रह कार्य सिर्फ यह नहीं कि समान ज्यादा अपने पास ना रखे खाली एक लंगोटी में रहता हो तो आप परिग्रह है सवाल यह है तुम्हारे मन में क्या क्या पड़ा है शौच संतोष तपह स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान भीतर बाहर की शुद्धता मन में संतोष तपस्या तो शास्त्रों को पढ़ना और ईश्वर के समर्पित होकर रहना पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ एक ही बार ईश्वर का जो नाम आया है वो इस श्लोक में आया और कहीं भी नहीं आया तो ये पतंजलि योग सूत्र से प्रेरित भी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिलता जुलता सेम सेम आ जाता है एक जैसा है अभी सोचने का ये है तपस्या तो है या नहीं? नहीं है तो करो शौच नहीं है करो शौच से मुझे हमेशा याद आ जाती है एक निर्मले संत थे लगे कथा करने सामने एक औरत आके बैठी गंदे कपड़े बड़े जोर से डांटा चल जा तू नहीं बैठ सकती यहां पे जा घर जा कपड़े धो साफ पहन जिसे कपड़े के धब्बे नहीं दिखाई देते उसको मन के दाग कहां से दिखाई देंगे मैंने वस्त्र साफ होने चाहिए शरीर साफ होने चाहिए शरीर मल रहित होना चाहिए शरीर को मल रहित करने के लिए कुंजल लेती धोती नौली आदि क्रियाएं आ जाती हठियो की क्रियाओं से शरीर को अंदर से शुद्ध करे ये होगा शौच मन को शुद्ध रखे मन को शुद्ध रखने का अर्थ किसी के लिए बुरा न सोचे न बुरा कहे किसी के गिर जाने पर हंसे नहीं और किसी के जीवन में संकट आ जाए तो उसका मजाक ना उड़ाए के देखा अब लगा पता ये भावना दुर्भावना है किसी का अमंगल सोचना करना नहीं सोचना ये नियमों का भंग कर देना होगा सो नेवर एवर ब्रिंग एनी इविल थॉट इन योर माइंड नाइद फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर एनी बडी जैसे होता है ना वो कहीं को आदत होती है जर जरा जरा सी बात पे गुस्सा खा जाए तो कहते मैं इसे तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, इसे तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है ये बड़ा अमंगलकारी वचन है या क्रोध आया तो ये ये मर जाए दूसरा कोई है वो मर जाए ऐसा सोचना ये भी बड़ा अमंगलकारी तो अमंगल सोचने वाला अपने मन को गंदा करता है अशुद्ध करता है कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षाणी पद्म स्वस्तिका आदि आसनानी कह रहे हाथों और पैरों को किन्हीं विशेष स्थितियों में रखने का नाम आसन है एक ना देखो बड़ी प्यारी सी बात कह रहे हैं आसन क्या होते हैं हाथों को और पैरों को किन्हीं विशेष स्थितियों में रखने का नाम आसन है जैसे पद्मासन उदाहरण भी दे दिए देखो आद उदाहरण तो देंगे ना अपूर्वता उपपत्ति तो चलेगी साथ में तो जब आपने बाया पैर उठा के आपने अपनी जंगा पर दाया पैर बाई जंगा पर क्रॉस पैर की तली ऊपर आसमान की ओर मुड़ी हुई हो हु। मैंने इतना बढ़िया ये शरीर की ये जो मुद्रा बनी ये हुआ पद्मासन दूसरा उदाहरण दिया स्वास्तिक आसन तो कह रहे आदि नहीं, माने इसके जैसे और बहुत से हैं पर चूंकि है मुख्य रूप से योग का ग्रंथ नहीं है इसलिए आसनों की लंबी चौड़ी डिटेल नहीं दी गई आसनों की लंबी चौड़ी डिटेल लेने की चाह हो तो फिर हठ योग प्रदीपिका का अध्ययन करे सारे आसनों का प्रमुख आसनों का वर्णन उसमें आएगा और हठ योग में जिन आसनों का वर्णन है आ, उन आसनों को करने के लिए शरीर को कफ मुक्त पित्त मुक्त वाक्त मुक्त मैंने टोटली बैलेंस में लाना होगा तो आहार व्यवहार को एकदम सही करते हुए संयम का पालन करते हुए शरीर का बल बढ़ाते हुए हल्के फुल्के आसनों से शुरू करते 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 धीरे 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 उन एडवांस्ड आसनों के प्रति जाना अब आप कहोगे जी हमको तो हमको तो आत्म साक्षात्कार करना था तो हमें पद्मासन क्यों लगाना सीखना पड़े अरे भाई साक्षात, साधन आत्म साक्षात्कार का क्या बोला है निधिध्यासन और निधि ध्यासन मतलब बैठ के करोगे चलते चलते करोगे चलते फिरते में मनन तो हो सकता है पर अनात्मा वृत्तियों का तिरस्कार चलते फिरते करोगे क्या तो निधिध्यासन के लिए बैठना आवश्यक होगा अब शरीर ठीक से बैठ सके तो बैठने के लिए आपकी जागरूकता और सावधानी अगर बना के रखनी हो तो फिर उसके लिए तो पद्मासन ही चाहिए मन वृत्ति रहित मन विचार रहित मन पूर्ण रूप से शांत क्या हो सकता है जिसके घुटने दर्द हो रहे हो कमर दर्द हो रही हो गर्दन दर्द हो रही हो जो स्थिर शरीर से बैठ भी ना सके क्या वो निधिध्यासन की अवस्था को अनुभव कर सकेगा तो आसन इसलिए नहीं है कि हम शरीर को आड़ा टेढ़ा घुमा सके शरीर को आसन हम इसलिए कराते हैं ताकि ये शरीर निधिध्यासन के लायक हो सके बिना हिले बिना कमर झुकाए तुम कम से कम दो घंटा पच्चीस मिनट बैठ सको हिलो नहीं एक बार भी ना हिलो ना घुटना हिले ना पैर हिले ना गर्दन हिले ना सर हिले ना कमर दुखे ना गर्दन दुखे अब ही घंटा पद्मासन में बैठने के लिए कितना सूर्य नमस्कार वीरभद्र आदि आदि सब सा, सारे ग्लूट्स खुलते उसी से है और बहुत सा पदमासन तक जाने के लिए पश्चिम उत्तानासन एक हमारे स्वामी जी हैं वो कहते हैं पश्चिम उत्तानासन लगा के हम तो सो जाते हैं मैं बाप लोगों से अंगूठे नहीं पकड़े जाते सर नहीं लगता छाती नहीं लगती टांगों के साथ और वो रख के पूरा शरीर यूं मैने पूरा टोर्सो इज ऑन द लेग्स एंड ही कैन स्लीप दैट कंफर्टेबल इन द आसन पश्चिम तो जो पश्चिम अच्छा कर सकता है और तो कर सकता है मच्छिन्द्र कर सकता है वही आदमी अच्छे से पद्मासन में बैठ सकता है अब आप देखो तुम कहोगे ना जी हाँ आज तो लोग बहुत लोगों के मन में ये दुर्भावना रही ना जी हम आसन की क्या जरूरत हमें आसनों की क्या जरूरत देखो वेदांत सार का ग्रंथ कह रहा है ध्यासन तक पहुंचने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम की आवश्यकता है प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक लक्षण प्राण निग्रह पाय प्राणयाम श्वास भरना पूरक श्वास छोड़ना रेचक श्वास को रोकना कुंभक इससे क्या होता है प्राण का निग्रह करना आता है निग्रह मतलब मैनिपुलेशन निग्रह मतलब कंट्रोल You are able to control your vital airs in the body, the forces in the body। बड़ी खतरनाक बात एक आ रही थी चित्त में पर उसको अभी हम कह नहीं सकते हैं अभी आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हो तो प्राण निग्रह करने की सामर्थ्य जो है वो प्राणायाम से आती है तो रेचक पूरक कुंभक एक्चुअली योग्य ग्रंथों में कुंभक को ही प्राणायाम माना गया है रेचक पूरक को प्राणायाम नहीं मानते पूरक कर लेने के बाद अथवा रेचक कर लेने के बाद श्वास लेने या छोड़ने की आवश्यकता ही महसूस न हो एक ऐसी स्थिरता एक ऐसा टिकाऊ इस कुंभक अवस्था में आएगा कि किसी का मन हाथी जैसा चंचला हो तो भी वो एकदम स्थिर हो जाएगा पर कुंभक करने के लिए ऐसे ही कोई सांस रोक के बैठ गया वही रुकेगी ही नहीं तीन चार पांच छह आठ मैं भी दस सेकंड तक रोक लो फिर भैंस करके ऐसे फट करके हवा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जाएगी हठयोग में प्राणायाम का जो अभ्यास कहा है उसके लिए तो नियम दिया है कि चार समय का प्राणायाम है माने चार समय के कुंभक करते 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 चौरासी कुंभक रोज के करते 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 सौ अंतर और बाही दोनों मिला करके के क्षमता वो बड़ी मुश्किल से इतनी आसान नहीं है हमारा डायफ्राम इतना वीक है फेफड़े इतने वीक हैं इन इन कमजोर शरीर के अंग प्रत्यंगों के साथ आप लंबे समय करना भी चाहेंगे तो होएगा नहीं उसकी पूरी एक पुतारी एक है उसकी धीरे 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 उसकी क्षमता बढ़ती है धीरे 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 श्वास को रोकने की क्षमता आती है और बिना विचलित हुए उसमें वो श्लोक आया है बड़ा सुंदर कि जैसे शेर को धीरे 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 नियंत्रण में लाया जाता है ऐसे प्राण शेर हैं इस शेर को आप ऐसे ही तुम कहो कि जी हम बस ऐसे ही कर लेंगे कई लोग हैं वो किताबें पढ़ के इंटरनेट देख के गूगल करके कुंभक अच्छा ऐसे होता है तो चलो हमने शुरू कर दिया और वो कर लेते और फिर ऐसे शरीर में जो रोगी है ऐसा शरीर जिसने पूरी तैयारी नहीं करी है उनका शरीर रोगी हो जाएगा बिगड़ जाएगा शरीर स्वास्थ्य ही चला जाएगा तो बड़े कुशल प्रशिक्षण के मैंने किसी आचार्य के अंतर्गत रहते हुए उस आचार्य के निर्देशन में रहते हुए कुंभ का अभ्यास किया जाना चाहिए उसके पूर्व अपनी मन मर्जी से इसको नहीं किया अब अब यह चीज के लिए भी फिर से एक डिसिप्लिन चाहिए अनुशासन चाहिए संयम चाहिए नियम चाहिए क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा फिर वही बात कहती हूं कम बोलने वाला कम खाने वाला कम सोने वाला यही आदमी योग की साधना कर सकता है जिसने चार समय प्राणायाम मान लो करना हो वो किस समय खाए तो इस प्रकार की गहन साधना करने वाले को वो धीरे 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 वो मूंग दाल खिचड़ी और दही दही नहीं दूध और फल दूध बस इतना ही बोले जब तक सिद्ध ना कर लें जब तक इसको ठीक से सीखना लें जब तक इसे ठीक से करना लें तब तलक आहार व्यवहार का बड़ा जबरदस्त नियम पालन करना पड़ता है प्राणायाम चूंकि लोगों से होता नहीं है इसलिए कई बार महात्मा लोग कहते चलो बेटा जब किया करो दो माला कर लो चार माला कर लो बहुत है एक ने पाँच माला तो जी बहुत ज़्यादा हो जाए। चुप बेटा दो ही कर लेना जी दो भी नहीं होती चल एक ही कर लेना जी एक भी नहीं होती चल नहाते समय एक बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर लेना हाँ ये कर लूँगा मैं वो भी कि तुम्हारा भूल गया था अब ऐसे आदमी से क्या क्या अपेक्षा करेंगे